दोस्तों अभी हमने बागड़ा का किला देखा और यहाँ से अब हम चल पड़े हैं तवा डैम की तरफ, जो कि यहाँ से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर आगे है। यहाँ एक बैरिकेड्स लगे हुए हैं, अब यहाँ से हम देखते हैं आगे जा पा रहे हैं या नहीं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बफर सीमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। किले में गए थे ना, हाँ, उससे थोड़ा सा आगे, हाँ, ऐसा कहते हैं कि उसके अंदर एक और किला है। अच्छा। जहाँ पर बहुत बड़ा एक ताला लगा हुआ है। अच्छा। किले के गेट पर। अच्छा। और वहाँ हमारे गांव के और बहुत सारे लोगों ने वहाँ उसको खोलने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन वो खुल नहीं पाए। तो क्या वहाँ तक जाना संभव है? नहीं, अभी फिलहाल तो बिल्कुल फिलहाल संभव नहीं। तो मतलब उस बड़े ताले को देखने के लिए हमें अगले बार एक बार और आना पड़ेगा? नहीं, अब वहाँ हम नहीं पहुँच सकते। वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं आजकल? पहुँच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते वहाँ तक? वहाँ पर अब ये बारिश से, हाँ, वो सारी चीजें रास्ता बंद हो गया बारिश और सब चीजों की वजह से। चलो ठीक है, मतलब यहीं से हमें संतोष करना पड़ेगा। पुराने लोग बताते हैं कि आगे एक और किला था और वहाँ ताला लगा हुआ, बड़ा ताला लगा हुआ। अब हम प्रवेश कर रहे हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद में। इस बैरिकेड के बाद बफर जोन में हम प्रवेश कर रहे हैं और आगे तवा का बांध है, तवा डैम है। यहाँ एंट्री करके आगे जाना होता है। ये हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में प्रवेश कर गए हैं और आगे तवा डैम भी हमें मिलेगा। इस बफर जोन में जानवर हैं जंगली, शेर, चीते, तेंदुए। इस बफर जोन में तो कोई जानवर नहीं दिखाई दिए, किंतु लास्ट वीकेंड हम लोग तवा के दूसरी तरफ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व चूरना में थे, जहां अन्य जानवरों के साथ टाइगर भी हमें दिखाई दिया, जिसका वीडियो मैं शीघ्र ही अपलोड कर रहा हूं, अवश्य देखिएगा। ये हम तवा डैम के निकट पहुंच चुके हैं, टाइगर रिजर्व एरिया में घूम रहे हैं। और ये जो टूटे फूटे मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब गाँव खाली किए गए हैं। राइट डैम नाम का गाँव था यहाँ। एक दीवार और दिखाई दे रही है यहाँ पे। लो साहब, हम तवा डैम पहुंच चुके हैं और यहां से बिल्कुल 0 किलोमीटर पे आ गया तवा डैम। ये देखिए आप तवा डैम का खूबसूरत नजारा। तवा डैम पर बने हुए सड़क पुल पर हम चल रहे हैं। क्या खूबसूरत हरियाली है, मस्त हरियाली। ये तवा का दूसरा गेट है, मुख्य द्वार है। पहले हम इधर हरियाली तरफ जिससे देखते हैं। ये देखिए, जब तवा डैम के गेट खुलते हैं अभी तो ये हमें बिल्कुल सूखा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि पानी नहीं निकल रहा है। तब यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। ये 13वां गेट है जो बंद है। ये 12वां, 11वां, 10वां, 9वां करते उधर से देखिए, अभी हम देखते हैं कि पूरे गेट खुले। आज हम देख रहे हैं तवा डैम के पूरे गेट बंद।
आज हम बागड़ा तरफ से बागड़ा तवा होते हुए तवा डैम आए हैं। तो यहाँ से आज हम देखेंगे कि जब पूरे 13 के 13 गेट बंद होते हैं तब तवा डैम कैसा लगता है। अच्छे से इतनी सारी सीढ़ियाँ, अब चढ़ने में समझ में आ रहा है कि कितने ऊपर जाना है। यही बागड़ा का किला जहाँ हमने अभी देखा, इसके पास ही एक दरगाह भी है। तो अब हम चल रहे हैं उस दरगाह पर जो बागड़ा के किले के पास में है। ये सामने जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ब्रिज तवा पर, तवा नदी पर, ये रेलवे का ब्रिज है। जब यहाँ से रेल निकलती है तो एक बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो यदि कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो हम देखेंगे कितना खूबसूरत नज़ारा इस ब्रिज का। ये ट्रैकिंग करते हुए हम लोग चले जा रहे हैं उस दरगाह की तरफ। आराम से उमेश, आराम से, आराम से। ये कहीं से पानी निकल के चला आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बनाया गया है भैया ये लकड़ी का, जो है ना ये छाल। ये तवा नदी पर बना हुआ रेलवे का पुल। ये हम जिस दरगाह के लिए चल रहे हैं उस दरगाह के रास्ते में ही ये तवा का पुल पड़ता है। बहुत खूबसूरत पुल है, तवा नदी पर बना हुआ पुल। और एक पुल और आप पीछे देखिए, वो दूर दिखाई दे रहा है, वो भी रेलवे का पुल है। अप और डाउन दोनों तरफ की रेलों के लिए। जी भैया, बहुत ज़बरदस्त है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आकर? बहुत शानदार है, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त। जाने का है? हाँ नहीं, ये जाने का डर थी, वो आने का डर थी। ये देखिए बहुत खूबसूरत पुल। सूर्य की रोशनी में तवा नदी का पानी देखें। वो सामने दूर हमें तवा डैम दिखाई दे रहा है जहां से अभी हम होकर आ रहे हैं। ऊपर हमें दरगाह पर
पहुंचने के लिए इस चढ़ाई को तो चढ़ना ही पड़ेगा। बंदर भी बहुत हैं, देखिए 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 कितने सारे बंदर ही बंदर हैं। ये देखिए, ये हुशंग शाह गौरी साहब की मजार है। यहाँ से एक रास्ता जाता है जो हजरत जिन्नात की मजार तक पहुँचता है। अरे देखना रे भैया, आराम से उतरना, भैया आराम से उतरना रे, ये आराम आराम से उतरियो, आराम से उतरियो भैया आराम से। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, अब तक ना किया हो तो बेल आइकन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।